नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में राज्यसभा सांसद संजय सिंह का बयान, भाजपा के नेता चंदा चोरी कर रहे हैं इसलिए राम मंदिर का निर्माण नहीं हो पा रहा। लखनऊ से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो सराज हैदर की रिपोर्ट। कितनी ईंटें रखी, डेढ़ वर्षों में कितना निर्माण हुआ, इसका मतलब आपकी मनसा भाजपाइयों प्रभु श्री राम का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर बनाना नहीं है बल्कि चंदा चोरी करना है। अगर आज राम मंदिर के निर्माण में उसकी गति में कोई रोक लग पा रही है तो उसकी सबसे बड़ी वजह है भारतीय जनता पार्टी की चंदा चोरी, ट्रस्ट के लोगों का भ्रष्टाचार। और इसलिए आम आदमी पार्टी स्पष्ट तौर पे कहना चाहती है, श्री राम जी का मंदिर जल्द से जल्द बनना चाहिए, भव्य बनना चाहिए और इन चंदा चोरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक जानकारी और शेयर करके, ये एक एरिया है, इस एरिया का नाम है प्रभु श्री रामचंद्र कोर्ट, कोर्ट रामचंद्र। और इस एरिया में 14,80,000 के मालियत की जमीन श्री जगदीश प्रसाद जी को महंत देवेंद्र प्रसाद जी से 14,80,000 की मालियत की जमीन 10 लाख रुपए में मिल जाती है। भारतीय जनता पार्टी के मेयर के भतीजे दीप नारायण भाजपा के नेता को इसी एरिया में 35,60,000 की जमीन 20 लाख रुपए में मिल जाती है। और श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को 1,60,00,000 की जमीन 4 करोड़ में मिल जाए, 3 गुना ज्यादा दाम। ये दो उसी एरिया की जमीन मालियत से कम पर दो लोगों को मिल जाती है और ये जमीन ट्रस्ट की उसी एरिया में 1,60,00,000 की जमीन 4 करोड़ में मिलती है। तो भाजपा के नेता, ट्रस्ट के लोग